केआर मार्केट, तो केआर मार्केट पहुंच चुका मैं मेट्रो के थ्रू, तो फिर मैं वहां से टीसी सीधा पैलेस जाऊंगा। तो अभी हम केआर मार्केट पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन पर, और उसके जस्ट बिल्कुल पास में ही है हमारा टीपू सुल्तान पैलेस। तो अभी मैं टीपू सुल्तान पैलेस पहुंच चुका हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकट काउंटर है, लेकिन अभी वो क्लोज है। अभी जो हमें टिकट है वो एक ऐप है QR स्कैनर, उसके थ्रू टिकट निकालना पड़ेगा, फिर एंट्री कर सकते हैं हम इसमें। कोविड की वजह से ये सब चेंजेस किए गए। इन्फॉर्मेशन थी वो ली गई, हमारा टेम्परेचर चेक किया गया बॉडी का और हैंड को सैनिटाइज किया गया, उसके बाद हमको अंदर जाने के लिए अनुमति मिली है। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ, और जब हम एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गार्डन है, काफ़ी अच्छा गार्डन है जिसमें फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे टीपू सुल्तान पैलेस की तरफ। टीपू सुल्तान पैलेस, तो आप जैसा देख सकते हैं जो टीपू सुल्तान पैलेस था वो 1781 में नवाब हैदर अली खान द्वारा बनाना शुरू हुआ था, उसके बाद में इसको कंप्लीट किया गया था टीपू सुल्तान द्वारा 1791। सुल्तान समर पैलेस है, तो यहाँ पे पिलर्स बने हुए हैं और आर्चिस हैं, और यहाँ पर चार छोटे छोटे कमरे भी हैं जो कि साइड बाई साइड बने हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो टीपू सुल्तान थे वो यहाँ पे अपना दरबार चलाते थे। काफ़ी पुराना होने की वजह से अभी यहाँ पर मरम्मत का भी काम चल रहा है, आप देख सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस।
और यहाँ पर रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। टीपू सुल्तान पैलेस, तो आज की हमारी यात्रा यहीं ख़त्म होती है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फिजो ट्रैवलर। थैंक यू।